लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? आप कह रहे थे क्या बोलो? हेलो बच्चों बोलो, क्या बोलने बोल रहे थे? ठीक है, तो हेलो बच्चों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, हैप्पी लाइक भी कर दीजिए, हैप्पी। अब हैप्पी के बाद अभी आगे कंटेंट में आइए। लास्ट क्लास में हमने तीन चार प्रकार का टोटल स्पीड देखा था। पहला कौन सा स्पीड था? पहला स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा स्पीड, तीसरा एवरेज में बहुत सारा केस बताए थे, केस वन केस टू केस थ्री। आज एक सबसे इंपॉर्टेंट केस देखना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है, पहले मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं और फिर इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी मान लीजिए अश्मित का ही एग्जाम्पल लेते हैं, लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। अश्मित मान लीजिए अपने घर से यहां है, मान लीजिए लगभग 1 किलोमीटर इसके घर से यहां का दूरी है, मान लीजिए भी बोले हैं स्टार्टिंग में, तो मान लीजिए इसके घर से यहां का दूरी 1 किलोमीटर है। किसी टाइम तो ये गुड्डू जुआरी के दुकान के आगे से गुजरा होगा, अरे जो गुड्डू गांजा बेचता है कोना में, उसके दुकान के आगे से कभी तुम गुजरे होगे ना? अरे गुजरे होगे कि नहीं गुजरे होगे? जो कोना पर दुकान है जहां तुम अक्सर पाए जाते हो खाली टाइम में, उस दुकान के पास से जब तुम गुजर रहे थे तो मान लीजिए कि आपके घर से यहां की दूरी 800 मीटर ही पकड़ के चलते हैं कि तुम्हारे घर से यहां की दूरी कितनी मीटर है, 800 मीटर है, और तुमको इतना आने में लग गया मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 200 सेकंड लग गया। कितना सेकंड लग गया? 200 सेकंड। तो 800 मीटर डिवाइडेड बाई 200 सेकंड, किस स्पीड से आए तुम? 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आए, यानी 1 सेकंड में तुम कितना स्पीड ट्रेवल किए होगे? 4 मीटर का स्पीड ट्रेवल किए होगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह तुम्हारा स्पीड 4 ही रहा होगा। जब तुम हम्स क्रॉस किए होगे, जैसे अपना सिंडिकेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब तो ऐसा करके हम पाता है ना बीच में, तो हम पर तो 4 मीटर तुम प्रति सेकंड नहीं रहोगे, वहां तुम्हारा स्पीड क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। फिर थोड़ा सा जब स्ट्रेच मिला होगा तो वहां तुम तेज भगाए होगे, फिर जैसी टर्निंग आया होगा उस टर्निंग में फिर तुम धीरे हो गए, थोड़ा हॉर्न बजा के थोड़ा धीरे हो गए होगे। तो अब मान लो कि तुम्हारा, हम पता करना चाहते हैं भाई तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो जिस क्षण पर तुम गुड्डू के दुकान के सामने थे उस क्षण पर तुम्हारा क्या स्पीड है, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। अब उस क्षण पर क्या स्पीड है कैसे पता चलेगा? तो हम लोग जिस गाड़ी पर चलते हैं वहां पर देखिएगा, एक तो ऐसा मीटर लगा हुआ है, पहले वो मैकेनिकल मीटर होता था जैसे 0, 1, 2, 3, 4, उसमें ऐसे एक तो डंडा रहता था, आजकल सब डिजिटल हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप का दिखता है स्क्रीन में, आप देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 टाइप का दिखेगा, डिजिटल हो गया है। एग्जैक्टली अगर हम पूछें कि भाई तुम गुड्डू के दुकान के सामने जब प्रेजेंट थे उस टाइम पर तुम्हारा क्या स्पीड था, तो जो तुम्हारा स्पीडोमीटर, जो तुम्हारे सामने का जो पैनल है, उस पैनल पर जो रीडिंग था वही तुम्हारा एक्चुअल स्पीड रहा होगा। चूंकि टर्निंग के बाद उसका जगह आता है तो हो सकता है तुम 5 या 6 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से रहोगे उस टाइम पे, और जब तुम हम्प क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पे हो सकता है तुम्हारा स्पीड 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रहा हो। लेकिन ऑन एन एवरेज पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में तुमको कितना समय लग गया? 200 सेकंड लग गया, और डिस्टेंस तुमने कितना ट्रेवल किया? 800 मीटर का ट्रेवल किया, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा स्पीड कितना था? 4 मीटर पर सेकंड का था। पर अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर अगर मेरे को यह पता करना है कि उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या है, तो वो कौन बताता है? वो बताता है स्पीडोमीटर, कि आपके स्पीडोमीटर में उस टाइम पर क्या है। एग्जैक्टली जब तुम हम्प क्रॉस कर रहे थे, एग्जैक्टली जब तुम एक फ्रूट का दुकान आता है बीच में, उस फ्रूट के दुकान के सामने थे तब तुम्हारा स्पीड क्या था, या फिर ठीक तुम्हारे गर्लफ्रेंड के दुकान के सामने, जो घर के सामने जो यहां से तुम क्रॉस करते हो, है ना? अरे उसमें तुम हां नहीं बोला, अभी तक तो हां बोल रहा था, उसमें हां नहीं बोला, जो ये सागवान का पेड़ है जिसके घर में, कौन तुमको तुम्हारा चेहरा दिखवा रहे हैं, बोल दो हां बोल दो। तो जब वो किसी एक पर्टिकुलर घर के पास से गुजर रहा है उस टाइम जो उस गाड़ी का स्पीड है वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन लिखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट at a particular
अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, माने किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो किसी टाइम पर या किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट मतलब जैसे मैंने भी आपसे एग्जांपल में कहा था कि भाई गुड्डू के दुकान के ठीक सामने, तो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। और किसी टाइम पर, मान लीजिए 200 सेकंड लगा है, मैं कहूं नहीं एग्जैक्टली जब तुम 50वें सेकंड पर थे तो तुम्हारा क्या स्पीड था, तुम जब 100th सेकंड पर थे तो तुम्हारा क्या स्पीड था, तुम 120th सेकंड पर थे तब तुम्हारा क्या स्पीड था। तो या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। व्हाट इट, तो लिखिए सेकंड डेफिनेशन और डाल के, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और डाल के एक और डेफिनेशन लिखिए। पहला डेफिनेशन था, राइट द सेकंड डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन द टाइम इंटरवल इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। और लिमिट मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा रखा है। तो ये क्या है, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, एवरेज स्पीड व्हेन टाइम इज अप्रोचिंग टू व्हाट, जीरो। इसको मैथमेटिकली अभी लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करेंगे, पर लिमिट का मैंने डेफिनेशन लिख लिया, ये डेफिनेशन लिख लिए सब लोग, जल्दी लिखिए, राइट जल्दी लिखा जाए, डेफिनेशन को जल्दी लिखिए, लिख लिए, वाह वेरी गुड, बहुत तेज लिख लिए सब लोग, आप क्यों धीरे लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा तो आगे बैठिए, पीछे बोला कौन है बैठने के लिए, देखिए अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको लिखना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको लिखना है तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ व्हाट, वी एवरेज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इतना छोटा चेंज इन एक्स कर दीजिए जिसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तो क्या मैं इसे डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं, तो वी इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आ गया, वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकल के आता है डी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी इंस्टेंटेनियस।
वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम इज व्हाट इज वी इंस्टेंटेनियस. लिखिए वेयर डीएक्स बाय डीटी इज वेयर डीएक्स बाय डीटी इज डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स वेयर डीएक्स बाय डीटी इज डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स Differential coefficient of x with respect to time. Differential coefficient of x with respect to time. Differential coefficient of x with respect to time. तो x को आप differentiate कर रहे हैं with respect to time. बढ़िया आगे लिखिए डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अच्छा आपने ओडोमीटर के बारे में सुना है. व्हाट इज ओडोमीटर? दो टर्म मैंने बताया, एक बताया स्पीडोमीटर और एक बताया ओडोमीटर. स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी क्षण पर आपको क्या देता है, स्पीड देता है. तो जो स्पीड दे उसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर है. और एक डिवाइस लगी होती है ओडोमीटर. सुने हैं आज से पहले ओडोमीटर? ओडोमीटर क्या होता है आपने देखा होगा, पहले जब गाड़ी में पहले देखेंगे इस तरह का एक बना रहता था डब्बा डब्बा टाइप का, ऐसे देखे होंगे इस तरह टाइप का डब्बा डब्बा टाइप का बना रहता था और उसका लास्ट डिजिट जो है वो वेरिएबल रहता था, वहां 0, 1, 2, 3, 4 होता रहता था और कितना किलोमीटर आप ट्रेवल किए हैं वो इसमें इस तरह से लिखा रहता था. मानिए आप 4000 इतना किलोमीटर ट्रेवल किए हैं तो ये ऐसे करके आपका लिखा हुआ और लास्ट वाला डिजिट जो है ना ये बढ़ते घटते रहता था. ऐसे देखे होंगे वो ऐसा कभी आधा भी दिखाई देता होगा इसके लिए, यहां पर कभी आधा भी दिखता था ऐसा, आधा हो 0 लिखा हुआ है आधा में 1 लिखा हुआ है, ऐसे कभी आप देखे होंगे लिखा हुआ. देखिए ये पहले होता था, आज के दिन में और ऐसा नहीं होता. आज वाला तो सब डिजिटल आ गया है, अब तो सीधे ऐसे कॉर्नर में कहीं पर लिखा रहेगा 213 किलोमीटर, उसमें भी लिखा रहेगा ट्रिप ए ट्रिप बी, वो सब ऑप्शन आ गया है. पहले जैसा नहीं है, पहले तो एक ही मीटर था, अब ट्रिप ए ट्रिप बी ओरिजिनल ट्रिप जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ट्रिप ए तेल के लिए रख लीजिए, ट्रिप बी मोबाइल के लिए रख लीजिए, ऐसे लोग अपना एडजस्ट करता है. तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स व्हाट, डिस्टेंस. एंड स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स व्हाट, स्पीड. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया उसका मेजरमेंट कौन देता है, ओडोमीटर देता है. और स्पीडोमीटर क्या देता है, कितना आपने स्पीड किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर क्या स्पीड है आपका, वो कौन देता है, स्पीडोमीटर देता है. क्लियर? तो ये ऐसे एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में. अब ये जो डीएक्स बाई डीटी आप निकाले हैं ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स है. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. डीएक्स बाई डीटी और क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. क्वेश्चन लिखा जाए अ बॉडी लिखिए, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is moving in a straight line. A body is moving in a straight line. Equation दिया हुआ x is equal to 8t minus t square. x is equal to 8t minus t square. Where x is in meter and t is in seconds. T जो है यहां समय है, जो किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है. ये आपका फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट between t is equal to 0 seconds
टू टी इज इक्वल टू टू सेकेंड्स, ये इसका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर वन है। और क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड दी वी इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड्स। तो आपको यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। हाँ, t इज इक्वल टू जीरो, हाँ सेकंड, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आंसर कह रहे हैं क्या आप, एक आंसर बोलिए ना, v एवरेज स्पीड कितना है आपका, नहीं 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 अरे बाबू ऐसे नहीं बता रहे, पहला सवाल है अभी, क्यों आप अपना इतना लोड ले लिया अचानक से, हम हैं ना अभी क्या जिंदा है आप, क्यों ऐसे कर रहे हैं, एक ही बार में इतना लोड ले लीजिएगा ब्रेन ब्रस्ट कर जाएगा फिर, नहीं ऐसे नहीं करिए, पहला सवाल है वो भी अभी स्टार्ट ही हुआ है सवाल, अभी आप पहले ही सवाल में पूरा ब्रेन यूटिलाइज कर लीजिएगा, अभी और एक घंटा चलना है हम लोग को, गड़बड़ा जाएगा मामला, ऐसे नहीं कीजिए। अब देखिए आपको टाइम इंटरवल कितना बोला है, t इज इक्वल टू जीरो से लेकर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू टू के बीच में, और आपको क्या निकालना है, वी एवरेज निकालना, यही नहीं निकालना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क यही निकालना है। अब हम वी एवरेज का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहले फॉर्मूला लिखिए, वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या फिर भी एवरेज का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी एक्स एट टाइम टू माइनस एक्स एट टाइम जीरो होल डिवाइडेड बाई टी एट टाइम टू माइनस टी एट टाइम जीरो। इसको देखिए, अब यह मुझे एक्स टू और एक्स जीरो निकाल के, नीचे तो ये टू माइनस जीरो हो जाएगा, ऊपर मुझे एक्स टू निकालना है। एक्स का फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था, 8t माइनस टी स्क्वायर, अब x ऑफ t का वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए, जब आप जीरो पुट करिएगा तो क्या आएगा, 8 इंटू जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन दूसरा टाइम इंटरवल क्या है, x इज इक्वल टू टू पर, इस पर सॉल्व कीजिएगा तो 8 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 16 माइनस फोर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12 मीटर। तो आपका x2 आ गया और x1 आ गया, तो x2 कितना आया है, 12 माइनस 0, इसको आप सॉल्व कीजिए मेरे ख्याल से 12 बटा 2, और इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका भी एवरेज कितना निकल कर आ गया, भी एवरेज कितना निकल कर आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ये लॉजिक क्लियर है, फॉर्मूला से बाहर नहीं भटकना है, हाँ बिल्कुल बता देंगे आप एक बार, ऐसे तो प्यार से बोलिए सर एक बार और, देखिए कैसे दो बार तीन बार बताएंगे आपको, आप बस ऐसा फेंकिए, तो ये हम लोग देखिए पेड़ आदमी है, आप जितना बार बोलिएगा उतना बार बस फेंकते चलिए, नहीं ये हमें क्या निकालना है, वी एवरेज निकालना है, क्या निकालना है बाबू, वी एवरेज निकालना। अब वी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम पीरियड। अब टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं है हमें, डिस्टेंस का फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब देखिए सवाल में आपको क्या दिया है, उन्हें कहा है ना भाई x इज इक्वल टू 8t माइनस, यानी x जो है वो टाइम के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अगर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है तो जब टाइम जीरो होगा तो जो उसका पोजिशन होगा, और टाइम जब टू सेकेंड होगा तब जो उसका पोजिशन होगा, उसका जो चेंज निकालिएगा तो वही ना डेल्टा एक्स कहलाएगा। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, आप एक्स इज इक्वल टू टू, यहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ था, इस पर आपने x इज इक्वल टू जीरो निकाल लिया और x इज इक्वल टू टू निकाल लिया। जब x इज इक्वल x एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो निकाला तो जीरो मीटर आया, x एट टाइम t इज इक्वल टू टू सेकंड निकाले तो 12 मीटर आया। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या हो गया, 12 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई, और टोटल टाइम कितना है, 2 से 0 इसी टाइम इंटरवल में ना, तो डेल्टा x क्या हो गया, 2 आ गया, इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहां तक कोई डाउट, एवरेज स्पीड में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहां पर लिखे हैं, इंस्टेंटेनियस में, आप अभी देखिए आपको
फॉर्मूला कहां लिखा हुआ है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx by dt, इसको मैंने लिखा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें इस पर नहीं लिखना है, हमें किस पर लिखना है, हमें v इंस्टेंटेनियस जब निकालेंगे तो v इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, इसको हम करेंगे dx by dt, d ऑफ क्या दिया हुआ है x 80 माइनस टी स्क्वायर, इसको हम dt के टर्म्स में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा इसको आप खोल के लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, d ऑफ 80 by dt माइनस d ऑफ टी स्क्वायर by dt, यहां से 8 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, क्या आएगा dt by dt, ये तो कट गया, माइनस यहां का क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, 2t आएगा, 8 माइनस 2t हुआ, तो v इंस्टेंटेनियस यानी आपका जो v वेलोसिटी का फंक्शन है वो क्या निकल कर आ गया 8 माइनस 2t, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 माइनस 2t आया है। अब उसने क्या पूछा है, v इंस्टेंटेनियस एट व्हाट, v इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड्स, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस में कभी भी इंटरवल नहीं रहेगा, हमेशा भी क्या लिखा रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लिखा रहेगा कि भाई 2 सेकंड पर निकालिए या 3 सेकंड पर निकालिए, तो टाइम का वैल्यू उस पर आप क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, जब टाइम का वैल्यू आप इसमें पुट करिएगा तो वी इंस्टेंटेनियस क्या निकल गया आएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जो आपका वी इंस्टेंटेनियस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 4 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया, लॉजिक क्लियर है, क्या निकल कर आया 4 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी एवरेज ऑन एन एवरेज कैसे चली है 6 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जिस क्षण पर आप पूछ रहे हैं उस क्षण पर इसका स्पीड कितना था 4 मीटर पर सेकेंड था, क्लियर, कोई डाउट है तो पूछिए, है कोई डाउट, नहीं है तो पूछिए, नहीं, चलिए इसको देख के लिख लीजिए, मतलब ये तो आप जन्म सिद्ध अधिकार है आपका छाप कर लिखना, क्या है माजी, हेमा जी हंस रही थी, हमने कहा क्या है माजी, तो हंसना बंद कर दी, अब अगला सवाल हेमा जी बनाएंगी बोर्ड पर, चलिए सवाल के पहले एक काम और करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या है, देखिए बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, अब जब आप ग्राफ बना रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का आप क्या बना रहे हैं ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसा है, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं ग्राफ जो है हमारा कैसा है ऐसा है, अब ये जो समय है इसको मैं t इज इक्वल टू सपोज 1 सेकेंड बोलता हूं, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इसका समय है वो t इज इक्वल टू मैं कहता हूं मान लीजिए 6 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, इसके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है यहां पर मान लीजिए 10 मीटर है, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है मान लीजिए 60 मीटर है, एक ऐसे रफ एक डेटा ले रहे हैं, अगर मेरे से कोई एवरेज स्पीड पूछेगा कि बताइए भाई एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां एक कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह का एक यहां पर ट्रायंगल फॉर्मेशन करेंगे और इसका हम स्लोप निकाल देंगे, तो जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा होगा विच इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, वही क्या आएगा वी एवरेज आएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वी एवरेज कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब स्लोप में ये क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो यहां पर बेस जो है वो टाइम है,
तो वी एवरेज जो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज 60 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मीटर। और समय देखिए 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और जो आप इसको डिवाइड दीजिएगा आपका वी एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया इसका वी एवरेज, पर हम लोग क्या देखना चाहते हैं, वी इंस्टेंटेनियस देखना चाहते हैं। हम अभी वी एवरेज देखना नहीं चाहते, हम क्या देखना चाहते हैं, वी इंस्टेंटेनियस देखना चाहते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी किसी क्षण पर देखना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना है। मान लीजिए इसी ग्राफ में, अब ये जो बेस और हाइपोटेनस लिखे है ना, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मेरा जो ये है थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया ना, मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, माना जाए कि मैं मान लीजिए इस एक पर्टिकुलर टाइम पर देखना चाहता हूं, किस टाइम पर, ये एक छः चार कर देते हैं इसको, टी इक्वल टू कितना 4 सेकेंड पर। अब 4 सेकेंड पर तो ट्रायंगल बनाना मुश्किल है, 4 सेकेंड पर ट्रायंगल कैसे बनेगा, अरे इंटरवल था तब ना आपने ऐसे ट्रायंगल बना लिया, उसका थीटा कर दिए, 4 सेकेंड पर तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। अगर 4 सेकेंड पर हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इस 4 सेकेंड पर थोड़ा बुद्धि लगाना होगा कि कैसे हम निकालें। तो 4 सेकेंड पर जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं, क्या करते हैं, यहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट पर क्या खींच दीजिएगा, टेंजेंट खींचेगा। टेंजेंट जो होगा इसका जो भी वैल्यू इस पर आएगा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको जरा सा हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, इसको जरा सा क्या कर दिए, मैग्नीफाई कर दिए। जब आप इसको मैग्नीफाई कीजिएगा, जब आप इसको मैग्नीफाई कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पे क्या बना हुआ है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है यहां पे, कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है। और वो जो ट्रायंगल है, वो जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो थीटा है ये क्या है, डी थीटा है, ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है, डी एक्स है, और ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है, डी टी है। और यहां पर भी आप क्या निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, जो कि क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस होता है, जो किसके बराबर है, डी एक्स बाई डी टी के बराबर है। समझ में आ रहा है, तो इस पॉइंट पर एक, यहां पर इस पॉइंट पर एक छोटा सा आप क्या बना रहे हैं, यहां पर भी एक छोटा सा क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, और उस ट्रायंगल में जो एंगल है वो डी थीटा है, और ये किसके बराबर है, डी एक्स बाई डी टी के बराबर है। तो किसी भी ग्राफ का अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करना है तो क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप क्या देखना चाहते हैं, स्पीड देखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आप क्या खींच लीजिए, टेंजेंट खींच लीजिए। जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका इंस्टेंटेनियस। क्लियर। और ये डी थीटा क्या, ये देखा जाए तो थीटा ही होगा, डी थीटा क्यों होगा, ये थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल तो सब जगह क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला, एंगल सब जगह क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। डन। तो यहां से आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं, बना लीजिए। तो उसको बाद में स्टेटमेंट पे लिखवा देता हूं, पहले आप इसे लिख लीजिए, स्टेटमेंट में लिखवाते हैं, पहले इसको आप लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए, लिख लिए, लिखा नहीं रहे क्या, नहीं है बाद में, हाँ हाँ बाद में, वेरी गुड, अभी नहीं बनाना है, घर पे जाके बनाएंगे, वाह बहुत समय है आप लोग के पास। वी इंस्टेंटेनियस, बने आगे आप लोग बना। अब देखिए यहीं पर एक लाइन आप वहां ऐड कर दीजिए, एक लाइन आप वहां लिख लीजिए, एक लाइन आप वहां लिखिए, राइट, दी स्लोप दैट इज टेंजेंट ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर
टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, नॉट इंटरवल, इंस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ v इंस्टेंटेनियस फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी टैंजेंट होता है वो आपको क्या देता है, वो भी इंस्टेंटेनियस देता है फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आप इस पेज पर देख सकते हैं कि इस कर्व में। अच्छा, जब कभी भी आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये हमेशा किसी टाइम इंटरवल में होगा, लेकिन वी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हमेशा किसी क्षण पर होगा या किसी पॉइंट पर होगा। क्षण की बात किए तो यहां और पॉइंट की बात करते तो इस तरफ आ जाता, पर उसी पॉइंट पर स्लोप तो सेम ही रहने वाला है। गॉट इट? डन, लिखिए, ये लिख लिए। अब लिखिए, हेडिंग डालिए वेलोसिटी, हेडिंग डालिए वेलोसिटी, इसके नीचे एक छोटा सा ग्राफ बना दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ग्राफ चाहे कैसा भी हो, वहां पे हमने कौन सा ग्राफ बनाया था, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया था, यहां पे कैसा ग्राफ बना रहे हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ चाहे कैसा भी हो, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या होगा, स्लोप होगा, उसका जो स्लोप है, टेंजेंट है, जो कि किसके बराबर होता है, डी एक्स वाई डी टी के, वही आपको क्या देगा, और ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा हो जाएगा डी एक्स वाई डी टी के बराबर, और दिस इज व्हाट, डी एक्स वाई डी टी इज व्हाट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? हेडिंग डालिए वेलोसिटी। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वहां पर कहीं भी डायरेक्शन का कोई भी जिक्र हमने नहीं किया था, पर अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर, अब वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन। तो अब हम लोग इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, नहीं, वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन। We'll talk about the direction. अब देखिए, right velocity. It is the time rate of change of position or displacement. Time rate का मतलब है rate with respect to time. Time rate of चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। अब पहली बार हमने क्या किया है, डायरेक्शन के टर्म को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, कि यहां पर डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, यहां पर डायरेक्शन का होना अति से ज्यादा अनिवार्य है। डन, फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो इसका एक और डेफिनेशन है, फॉर्मूला वाइज अगर देखिएगा तो इसका सेकेंड डेफिनेशन होता है, राइट, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the ratio of displacement
एंड टाइम, एंड टाइम। तो वेलोसिटी डिनोट तो ये भी वी से ही किया जाता है, पर उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक छोटा सा वेक्टर का साइन लग जाता है, और ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड, बाय टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगा, सेम एज, यूनिट इज सेम एज मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज सेम एज, लिख दीजिए, यूनिट इज सेम एज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ये स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट है फॉर अदर प्लेसेस, मीटर पर सेकेंड और दिस। इसके नीचे कुछ पॉइंट लिखिए नोट डालकर, पॉइंट नंबर वन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी which has both magnitude as well as, which has both magnitude as well as direction, इसके पास magnitude भी है और direction भी है। Point number टू, second point लिखिए, velocity of an object can be, velocity of an object can be what, positive, negative and zero। चूंकि वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और लास्ट बात, थर्ड पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ड्यू टू विच जो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी के, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी के। तो ये बात भी आपको क्या रखना चाहिए, ये बात भी आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पीड होता है वो भी वेलोसिटी से बड़ा होता है। क्लियर। अब स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही मेन डिफरेंस है, क्या, इसके पास डायरेक्शन है पर इसके पास डायरेक्शन नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड अगर सिंपली लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो स्पीड है, और 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन लिख दिया तो अब वो क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ वेलोसिटीज, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ वेलोसिटीज। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये भी 4 प्रकार का होता है, जैसे कि हमने वहां पर देखा था, कौन कौन सा, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी,
तीसरा एवरेज वेलोसिटी और चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कुल चार प्रकार की वेलोसिटीज होती हैं। लगभग सारे का डेफिनेशन क्या है, सेम ही है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो डेफिनेशन आपने लिखा था उसमें क्या ऐड कर देना है, डायरेक्शन ऐड कर देना है, बस झटझट में सब डेफिनेशन खाली लिखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए, बस चारों का डेफिनेशन लिख लीजिए, अगले क्लास में फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा देंगे। पहला लिखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वहां पे क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, यहां पे क्या बोल रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Equal displacement in equal interval of time. Done. सरल है, बस distance की जगह क्या डाल दिया, displacement डाल दिया। Next लिखिए variable velocity. Next लिखिए variable velocity. An object is said to be moving with variable velocity. An object is said to be moving with variable velocity. वापस यहां क्या हो जाएगा, equal displacement in equal interval of time, unequal displacement in equal interval of time or equal displacement in unequal interval of time. तो जल्दी लिख लीजिए, an object is said to be moving with variable velocity if it covers equal displacement in unequal interval of time, equal displacement in unequal interval of time, equal displacement in unequal interval of time or unequal displacement in equal interval of time, unequal displacement in equal interval of time। अब यहां पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसको जरा नोट डाल के उसके नीचे लिखिएगा, ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कभी कब हम कहते हैं कि कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, या तो बॉडी वेरिएबल स्पीड से ही मूव कर रही है, स्पीड वेरी कर गया मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, स्पीड वेरी करने का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, और मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग का मतलब है तो स्पीड वेरी कर ही रहा है, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। पॉइंट नंबर टू है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। ऐसा संभव है कि स्पीड कॉन्स्टेंट रहे और डायरेक्शन बदल जाए, क्या ऐसा संभव है कि स्पीड कॉन्स्टेंट हो और डायरेक्शन बदल जाए, नहीं संभव तो फिर हम लिखा कैसे दिए। संभव है, यह कहां पर होता है, देखिए यह होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में। क्या होता है, मान ली यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, यहां पर इसकी स्पीड v थी और यहां पर भी इसकी स्पीड क्या है, v ही है, तो दोनों जगह इसका स्पीड सेम है, मैं कह सकता हूं क्या स्पीड इज कॉन्स्टेंट, बट दोनों टाइम पे इसका डायरेक्शन बदल गया क्या, एंड इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग देन आंसर इट इज वेरिएबल वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही केस में आप कहेंगे कि भाई वो चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल वेलोसिटी में दूसरा केस है, स्पीड कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन भी अगर बदल रहा है तो भी मैं बॉडी को क्या बोलूंगा, वेरिएबल वेलोसिटी में बोलूंगा। क्लियर। और इसका पॉइंट नंबर थ्री है कि दोनों ही बदल जाए, बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, दोनों ही अगर बदल जा रहा है तो भी क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। तीनों कंडीशन ध्यान रखना है, क्या क्या चेंज हो रहा है, ओनली स्पीड चेंज हो जाए तो भी, स्पीड सेम रहे मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी, और मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले तो 100% में तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। डन। दो स्पीड और रह गया है, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपका घर काम लिख लीजिए, असाइनमेंट होमवर्क क्वेश्चन है, राइट राइट 7 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी 7 points ऑफ डिफरेंस आपको लिखना है, किस किस के बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। डन। या दो डेफिनेशन और है, लिख ही लेते हैं, खत्म कर लेते हैं इसको, ताकि अगले क्लास में फिर न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे एक्सीलरेशन में। लिखी लीजिए एवरेज वेलोसिटी, लिख लीजिए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, क्यों बेकार में दो लाइन के लिए अगले क्लास में लेके जाएंगे इसको। एवरेज वेलोसिटी तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा घर से, एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन लिखिए एवरेज वेलोसिटी का, राइट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम पीरियड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम पीरियड। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लें कि वी एवरेज जो होता है वो क्या होता है, इसके बराबर, दैट इज एक्स टू वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट टू माइनस पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, और ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डन। और लास्ट लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड लास्ट लिखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेफिनेशन है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, राइट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसके नीचे इसका मैथमेटिकल बस सिर्फ क्या होगा, यहां पर जो वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ था बस वो क्या लग जाएगा, वहां पर वेक्टर साइन लग जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस वही वेक्टर साइन जो नहीं लगा हुआ था वो वेक्टर साइन यहां पे लग जाएगा, बस खत्म। डन। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग एक्सेलरेशन में प्रवेश कर जाएंगे, और कुछ ग्राफ का एक आध कॉन्सेप्ट और सिखाएंगे, कि अभी हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ देखा है,
फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, खैर ग्राफ तो पूरा मैं अलग से ही एक पढ़ाऊंगा आपको, यहां पर सिर्फ ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वो आपको अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।